हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे IAOR पर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो IAOR पर, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि अपने पास एक रॉड है जिसकी कुछ लेंथ दी है L, ये एंगल बना रही है थीटा फ्लोर से, अब हमने कहा कि इसके दो एंड जो कि फ्लोर को टच कर रहा था एंड B है, और जो वॉल को टच कर रहा है ये एंड A है। अब हमने कहा अगर मान लो कि एंड A अपना एंड A अगर नीचे की ओर आना स्टार्ट करे, लेट से ये नीचे की ओर बी स्पीड से आना स्टार्ट करे, तो ये तो फिक्स बात है कि जो एंड बी होगा ये आगे की ओर भागेगा, ऐसा हम अपने कॉमन सेंस से कह सकते हैं। अब अगर हमें निकालनी हो कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बी है ये एक्चुअल में है कितनी, इसके लिए हमने पहले भी कई सारी टेक्निक, अपन इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लगा सकते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन से भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी टेक्निक, इसको IAOR से भी सॉल्व किया जा सकता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हम लोग देखेंगे IAOR टेक्निक, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, इससे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखो, हमने कहा अगर ये एंड इधर की तरफ ऐसे नीचे आ रहा है, ये एंड इधर की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया, वाह वाह। क्या आप ये मान सकते हो कि ये जो पूरी रॉड है ये किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी। हमें अब वही पॉइंट को, यानी कि वही एक्सिस को हमें फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस। तो अपन क्या करें, सिंपल सा तरीका है कि जिस भी पॉइंट के अबाउट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि रोटेट कर रहा हो, जैसे मान लो कि हमने कहा ये है, अगर ये ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, जो भी पार्टिकल होगा उस हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी क्या इसके परपेंडिकुलर होगी? यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर कोई लाइन आप अगर डालते हो तो क्या वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा? कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे हमने पॉइंट कोई लाइन डाली तो वो क्या होगा, वेलोसिटी के हर एक पॉइंट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो अपन ने कहा कि भाई साहब चलो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की इसके जो कि ए से होके जाए और वी वन के परपेंडिकुलर हो। कहां से होके जा रही है? ए से होके जा रही है और इस वेलोसिटी ऑफ ए के परपेंडिकुलर है। चलो भाई वाह। ऐसे क्या हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ बी के परपेंडिकुलर हो? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने कहा ये दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या यही एक कॉमन पॉइंट है जिसके अबाउट अगर ये रॉड रोटेट करना चाहे तो कर सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा पॉइंट? तो हमने कहा यही पॉइंट अपना क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर दिस इंस्टेंट ओनली। मैं किसी और इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी सेम इंस्टेंट पे जब इसकी वेलोसिटी v थी, ये नीचे की ओर आ रहा था, इसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं हो, ये इधर की तरफ जा रहा था, उस इंस्टेंट पे क्या इसकी यही ये वाला पॉइंट ही क्या होगा, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो अपनी रेडियस आई पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए जो रेडियस है मान लेते हैं आर बी, को होगा कितना, वो ये वाली लेंथ होगी, ये एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, एल साइन थीटा, कितनी हो गई, एल साइन थीटा। उसी तरीके से ये जो है ये कितनी रेडियस में रोटेट कर रहा होगा, ए वाला,
क्या ये रोटेट कर रहा होगा, मान लेते हैं आर ए रेडियस में, तो आर ए कितना होगा एल थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, बढ़िया भाई। इससे क्या फर्क पड़ा, हमने कहा कि ये दोनों के दोनों भाई साहब ऐसे ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइंस हैं, अगर ये रॉड रोटेट कर रही होगी तो मान लो ओमेगा से रोटेट कर रही है इस आई ए ओ आर पर एट द गिवन इंस्टेंट, क्या ओमेगा जो होगा, ओमेगा तो अपना ए पॉइंट का भी और बी पॉइंट का दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उस टाइम पे जो भी एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या हर एक पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, उनकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। चलिए, तो हमने कहा भाई साहब इसके लिए हमने कहा कि ओमेगा अगर ए के लिए देखें तो ओमेगा फॉर ए, ओमेगा फॉर ए, ए के लिए ए से ओमेगा क्या आएगा वी ए अपॉन आर ए मस्ट बी इक्वल्स टू वी बी अपॉन आर बी, क्या यही ओमेगा है, हमें क्या नहीं पता है, हमें वी बी नहीं पता है, तो हम कहेंगे वी बी इज इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए इंटू वी ए, वी बी इक्वल्स टू आर बी कितना है, आर बी आप देखें एल साइन थीटा, एल साइन थीटा अपॉन आर ए कितना है एल कॉस थीटा इंटू वी ए कितना है बी, क्या ये एल एल चला जाएगा, तो अपने पास मिलेगा क्या, हमारे पास बचा वी बी इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस टेन, यानी वी टेन थीटा, वी टेन थीटा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक अपना एग्जाम्पल हो गया। हमने कहा कि भाई साहब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे इस तरीके से मूव करे कि हमें पता ना चले कि वो रोटेट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है, यानी कि दोनों को कंबाइन, तो उस टाइम पे हम उस ऑब्जेक्ट को किसी भी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करता हुआ मान सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी उस पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम क्या है, ये बड़े से बड़े क्वेश्चंस को अपना शॉर्ट कर देता है। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।